मैं नहीं कर सकता ईशा। अक्षय जी आप ऐसा मत। मेरी बात सुनो। चलो माना माना करीना जी मेरे साथ है, तुम मेरे साथ हो, लेकिन उसके बाद क्या? एक बात याद रखना कृतिका, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है शक की बीमारी, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये बीमारी प्रीता जी तुम्हें जरूर दे देगी। और जब शादी के बाद तुम मुझ पर शक करोगी ना, क्या होगा? खराब हो जाएगी ना हमारी शादी। इसलिए कह रहा हूँ कोई मतलब नहीं है शादी का। और आज आखिरी बार, लास्ट टाइम आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ। अभी तक प्रीता जी ने जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी कहती आई है अभी तक, वो सब झूठ है। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अक्षय मेरी बात सुनो। अक्षय सुनो प्लीज प्लीज बेटा प्लीज प्लीज, तुम ये शादी तोड़ के नहीं जा सकती। ये बेटी को मंडप में छोड़ के जाओगे, उसके बाद में सोचो प्लीज बेटा प्लीज। अक्षय पुत्र मैं आगे तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यूं मंडप छोड़ के मत जा बेटा, घर की इज्जत का सवाल है। कृतिका कृतिका का क्या होगा, एक बार सोच ले बेटा। मैंने कह दिया ना एक बार, नहीं मतलब नहीं। और प्रीता याद रखना तुम कि तुम्हारी वजह से इस घर की बेटी की शादी टूट रही है, और वो भी इस मंडप में। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर लोग बोलेंगे और आप सबको सुनना पड़ेगा कि जरूर लड़की के अंदर कोई ऐप था जो दूल्हा मंडप छोड़ के चला गया। भूल मत की तू मेरी बहन के बारे में बात कर रहा है। खटियापन तुम करो, चीटिंग तुम करो, धोखा तुम दो, और बुरा मेरी कृतिका के बारे में बोलकर जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो देखो प्रीता, कृतिका की शादी टूट गई है, कृतिका भी टूट गई है। देखो हो सकता है कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, भूल जाएगी सब कुछ, पर तुमने जो घटिया हरकत करी है ना, तुम्हारा ये परिवार उसको कभी नहीं भूलेगा, याद रखना। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी आज कहानी खत्म कर दी, पर प्रीता भूलना मत, इस घर में हर रोज तुम्हारी कहानी खत्म होगी। तुम्हें लगता है कि तुमने आज हराते हराते मुझे फाइनली हरा दिया है? नहीं प्रीता, हारी तुम हो, याद रखना है। कृतिका के दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं रहेगा। करीना आंटी पहले से भी ज्यादा नफरत करेगी अब तुमसे, और तुम्हारा पति करण, जिसकी बहन की शादी तुम अभी ताजा ताजा तोड़ के आ रही हो, वो तुम्हारा क्या आशय करेगा, सोच लेना जरा एक बार। तुम्हें लगता है ना तुम जीत गई हो, तुम हार गई हो प्रीता करण लूथरा, हार गई हो। तुम्हें लगता है कि कृतिका की जिंदगी के आगे मैं हार जीत के बारे में सोचूंगी? ऐसा तुम जैसा घटिया इंसान ही सोच सकता है। मैं हार जीत के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं सिर्फ कृतिका को तुम जैसे धोखेबाज से बचाना चाहती थी। और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं और जो मैं देख रही हूं ना, उसके हिसाब से मैंने कृतिका की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली है। उसके अलावा मुझे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है, समझे? तुम जाओ यहां से। इस घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना, बर्बाद कर दी ना तुमने मेरी बेटी की जिंदगी। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक मिनट, करीना बुआ आप प्लीज मेरी बात। नहीं सुननी तुम्हारी बात, कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी बेटी की हालत देखो, देखो उसकी हालत। यही करना चाहती थी ना तुम, मिल गई खुशी तुम्हें, हैप्पी। ये क्या किया तूने प्रीता? कितना प्यार करती है अक्षय से, सारे सपने तोड़ दिए उसने, शादी तोड़ दी, क्यों किया इसने, क्यों? दादी वो आप मेरी बात सुनिए, वो अक्षय वो बहुत बुरा लड़का है। उसका फैसला मुझे करने देती भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? कृतिका मेरी बेटी का नाम मत लेना अपने मुंह से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ।
आप लोग मुझ पर यकीन कीजिए, मेरी बात सुनिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। बस कर, कितना गिड़गिड़ाएगी? क्यों यहाँ पर कोई भी इंसान तुझ पर यकीन करेगा? नहीं करना चाहता कोई भी यकीन, किसी को विश्वास नहीं है तुझ पर। तू क्या बताना चाहती है उन्हें? तू यही बताना चाहती है ना कि अक्षय कृतिका के लिए अच्छा लड़का नहीं है? हाँ। लेकिन उन्हें नहीं लगता ऐसा, उन्हें लगता है कि अक्षय बिल्कुल सही है, तू गलत है, तू झूठ बोल रही, तू नहीं चाहती कि कृतिका की शादी अक्षय जैसे अच्छे लड़के के साथ हो। अगर वो अपनी बेटी के साथ बुरा करना चाहते तो तू क्यों अच्छा करना चाहती है? वो नहीं समझना चाहते तो तू चुप रहना। वेरी गुड, बेटी ने एक ड्रामा किया, अब मां शुरू हो गई। कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं करीना जी, ड्रामा आपकी बेटी की जिंदगी में हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। मेरी बेटी सिर्फ उस ड्रामा से पर्दा उठाना चाहती, आपको सच्चाई दिखाना चाहती, लेकिन आप लोग उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहते। आप लोग अक्षय पर विश्वास करना चाहते हैं लेकिन मेरी प्रीता पर विश्वास नहीं करना चाहते। क्या है ये इसका भी घर है? वाह वाह सल्ला आंटी, आपने अपने दिल की बात बोल ही दी ना। अब ये जताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी का घर है, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। सल्ला जी, अपनी बेटी को बोल दीजिए कि चुप हो जाए, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो मैं यहाँ करना नहीं चाहती। How dare you? चालेन इस घर की बहू है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? प्रीता भी इस घर की बहू है, आपकी कैसे हिम्मत हुई कि मेरी बेटी पर आप ऐसे उंगलियां उठाएंगी? एक मिनट, एक मिनट। प्लीज बुआ, आप लोग शायद भूल रहे हैं आप लोग इस घर की बहुओं के बारे में बात कर रहे हैं, सारे मेहमान खड़े। बुआ प्लीज प्लीज। क्या क्या मां, क्या करूं मैं? चुपचाप खड़ी रहूं, चुपचाप सुनती रहूं? सब लोग तुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, कुछ ना बोलूं, तेरी तरह बुत बन के खड़ी रहूं? कोई इस घर में तुझ पर विश्वास नहीं करता है। तूने इतना कुछ करना चाहा कृतिका के लिए, लेकिन ये सब तुझे ही झूठा मान रहे हैं। तू सच्ची है तब भी तुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, वो झूठा है तब भी उसकी हर बात पर विश्वास कर रहे हैं। तो क्या करूं मैं? हाँ, यही सिला मिला है ना तेरे विश्वास का? क्या सिला दिया, क्या सिला दिया इसे? इस लड़की ने मेरी बेटी की शादी तोड़ दी, मंडप में छोड़ के चला गया अक्षय उसे। क्या किया मैंने इसके साथ? कुछ नहीं सुना है आपने, आपकी बेटी के साथ बहुत अच्छा हुआ है करीना जी, अच्छा हुआ अक्षय उसे छोड़ के चला गया। अक्षय कृतिका के लायक ही नहीं था, एक गलत इंसान था वो। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हुई तो कोई तूफान नहीं आ गया, जिंदगी में उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा जो उसे हमेशा सुखी रखेगा। कृतिका मेरी बेटी जैसी है, मैं हमेशा उसका भला ही चाहूंगी। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो आप इतना तूफान क्यों मचा रही है? हो जाएगी उसकी शादी, अच्छा लड़का मिल जाएगा उसे। मेरी बेटी को अपनी बेटी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपकी बेटी के दो रिश्ते टूटे हैं, मेरी बेटी के नहीं, तो कृतिका को प्रीता के साथ कंपेयर मत कीजिए। प्लीज, क्या बोलते जा रहे हो? सब मेहमान खड़े हैं, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज चुप हो जाइए, घर पे शादी हो रही है, इतने सारे मेहमान हैं और आप लोग की बहस बंद ही नहीं हो रही। जरा कृतिका के बारे में सोचिए, बंद कीजिए ये सब तमाशा। ड्रामा मैं कर रही हूँ ड्रामा। आपकी ये फेवरेट बहू करी कब से, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम लोगों ने, अब निकल जाओ इस घर से। ठीक है, मैं भी निकल जाता हूँ, मैं भी प्रीता के साथ इस घर से चला जाता हूँ। आप चाहती क्या? जब कोई गलती करती है घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। एक काम करता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ, क्योंकि कल को मैं कोई गलती करूंगा तो मुझे भी निकाल दोगे, राइट? करण, तुमने आज इसे रोका था ना यहाँ से जाने से, इसी वजह से कृतिका का रिश्ता टूट गया। अगर ये यहाँ से चली गई होती तो आज तुम्हारी बहन की शादी हो गई होती। तो अब स्टे आउट ऑफ इट, कुछ मत बोलना। और तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, निकल जाओ मेरे घर से। होती कौन है ऐसे बोलने वाली कि यहां से निकल जाओ? उससे पहले मैं अपनी बेटी को यहां से ले जाऊंगी। गुड, हाँ ले जाऊंगी उसे, नहीं रहेगी तू यहां पर। इस घर में कोई भी तुझ पर विश्वास नहीं करता है। अगर किसी भी रिश्ते का मायना कोई विश्वास से नहीं जुड़ा हुआ तो वो रिश्ते का कोई मायना ही नहीं है। मम्मी आप, मैंने तुझे कहा था ना, जब तू घर
वापस आई थी, मैंने तुझे कहा था जा इस घर, अपनी जगह ले। अपने लिए जो नहीं लड़ता ना, वो किसी के लिए नहीं लड़ सकता। तू कृतिका के लिए यहाँ लड़ रही है क्योंकि तू अपने लिए यहाँ लड़ने आई थी। लेकिन अगर ये परिवार तेरा विश्वास नहीं करता है, इस घर का हिस्सा नहीं मानता, तो कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। मैंने तुझे भेजा था, इसलिए मैं तुझे कह रही हूं, तू इस घर से अभी मेरे साथ वापस चलेगी अपने घर। तुझे मैंने राखी जी को सौंपा है, खराब में नहीं दिया है कि कोई भी तुझ पर उंगली उठाएगा। हर बार हर रोज तुझे, तू सही है फिर भी तुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा, और वो गलत है उसे किसी को विश्वास नहीं दिलाना पड़ेगा। मैंने तुझे कहा था आज मैं ही तुझे वापस लेकर जाऊंगी। बच्चे को ही पता होता है ना कि उसे सड़क पार करनी है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसे डर लगता है। तो माँ उसका हाथ थाम के उसकी सड़क पार कराती, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए आज मैं तुझे लेकर जाऊंगी क्योंकि इस घर में कोई तुझ पर विश्वास नहीं करता। आप किस विश्वास की बात कर रहे हो? हाँ मामा, आपकी बेटी ने मुझे बताया जब वो ये अक्षय के खिलाफ सारे सबूत जुटा रही थी, इन्वॉल्व किया मुझे प्लानिंग, नहीं किया ना? तो इसने मुझ पर विश्वास किया, नहीं किया ना? आंख खोल कर विश्वास करती हूँ मैं प्रीता पर, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। एक पति होने के नाते तुम्हें भी इसकी हर बात पर विश्वास करना मेरे पास, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर से ही बना हुआ है। मेरे पास कोई वजह नहीं है इस पर विश्वास करने का इस वक्त, और मेरे पास हर वजह है कि मैं प्रीता पर विश्वास करूं। और अगर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को इस घर में कोई भी रिश्ते निभाने की जरूरत है। प्रीता तूने सही किया जो कह रहा गई। चलो अब दोनों कपड़े बदल लो, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं। मेरा दवाई का डब्बा यहाँ पे रखा था। ओए भगवान, आप प्रीता को कार तो ले आए, लेकिन दिल अभी भी उसका अपने ससुराल में ही है। देखा कितनी दुखी लग रही है। कोई बात नहीं, उसका दिल ससुराल में रह गया, लेकिन दो तीन दिन में ठीक हो जाएगी। मना किया था मैंने उसे कि कृतिका का रिश्ता संवारने के चक्कर में कहीं अपना रिश्ता खराब मत कर लेना। कोई विश्वास नहीं करता उसका वहाँ, उस घर में। जिस घर में विश्वास नहीं, वहाँ पर अपनी बेटी को नहीं छोड़ के आ सकती थी। अगर उन्हें विश्वास है उस पर, उसे प्यार से लेने आएंगे, तो मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो अपने घर में खुश है। ये दवाई का डब्बा कहाँ रखा है, जरा मुझे पकड़ा देना कमरे में। पुत्र, बेची क्या कह रहे थे? पता नहीं जान के अंटी, मुझे सब डिस्कस नहीं करना, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तुम क्यों है पुत्र? पता है जब दी तकलीफ में होती है ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है जान के अंटी। बहुत अजीब सा लगता है, अंदर पेट में ऐसे गुड़गुड़ होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत अजीब सा लग रहा है। कौटजी ये क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कृतिका की जिंदगी बचाने जाएंगे तो उसका असर प्रीता दी और करण जीजू के रिश्ते पे भी पड़ेगा। मेरे पास कोई वजह नहीं है इस पर विश्वास करने का इस वक्त और अगर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को इस घर में कोई भी रिश्ते निभाने की जरूरत है।
दी? हाँ। आपके कपड़े नीचे वाले शेल्फ में। ये क्या कर रहे हो आप? अरे करण भाई, ये क्या कर रहे हो आप? मेरे को बताओ नहीं कि कपड़े ऐसे क्यों फेंक रहे हो? करण, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। चुप। आज मैं तुझे लेकर जाऊंगी, क्योंकि इस घर में कोई तुझ पर विश्वास नहीं करता। आप किस विश्वास की बात कर रहे हो? हाँ मामा, आपकी बेटी ने मुझे बताया जब वो ये अक्षय के खिलाफ सारे सबूत जुटा रही थी, इन्वॉल्व किया मुझे प्लानिंग नहीं किया ना? थी, थोड़ा पानी पी लो। देखा तूने कैसे किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया? कितनी मुश्किल से हमने अक्षय के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे थे, और करीना बुआ ने उन तस्वीरों को एक नजर देखा भी नहीं, सीधा आग में फेंक दिया। हमारे सामने हमारे सारे सबूत, सारी मेहनत जल के राख हो गई। करण ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। माँ ठीक ही तो कह रही, हर चीज पर विश्वास करने के लिए कोई वजह होनी जरूरी तो नहीं है ना? उसकी पत्नी उससे कुछ कह रही है तो क्या उतना कहना ही काफी नहीं है? वाकई अगर किसी रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है तो रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों सोच रहे हो? करण सर आप पे पूरा विश्वास करते हैं। और एक मिनट, करण सर और आपकी जिंदगी के फैसले किसी और को मत लेने दो। लोग क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए थी। और आपको तो पता है ना कि जो आपसे कितना प्यार करते हैं। मुझसे प्यार करते हैं? हाँ दी, सच में। तो ये कैसा प्यार है जिसमें मुझे अपनी हर बात का सबूत देना पड़े? अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो कुछ सोच समझ के कह रही होंगी ना? मुझे क्या पता प्यार करता है किरण, मुझे कौन सा कभी कहा है? क्या चीजों ने आपसे कभी नहीं कहा कि वो आपको प्यार करते हैं? ये सब बातें नहीं करनी मुझे इस वक्त। मैं विश्वास की बात कर रही हूँ, जैसा कि माँ ने कहा, रिस्पेक्ट और विश्वास पहले आता है, उसके बाद प्यार आता है। मेरा हाथ पकड़ के सबको ये भी तो कह सकता था ना कि अगर प्रीता कह रही है कि अक्षय सही इंसान नहीं है तो कुछ सोच समझ के कह रही होगी। उसकी बात सुनो, तूने देखा ना, भले ही वो मेरे खिलाफ कुछ ना बोला लेकिन मुझे तो यही बोला ना कि मैं क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। जीजू गुस्से में थे शायद, इसलिए उन्होंने ये सब। आपको तो पता है ना, जीजू जब गुस्से में होते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी में कुछ भी करो और यही एक्सक्यूज दे दो कि हम तो ऐसे ही हैं। You know what? मुझे ऐसा लगता है कि जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनको भी फोन करती हूँ। देखना, जैसे आपका नाम सुनेंगे ना तो कैसे यूं झट से पिघल जाएंगे। नहीं, एक मिनट दी, मुझे करने दो। भाई कौन है? जीजू। हाँ सृष्टि, बोल। बस ऐसे ही फोन किया, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, वो इतने दिनों से इस बेडरूम में अकेले रहने की आदत हो गई थी, दी थी नहीं ना यहाँ पे, तो
और दी के कपड़े भी नहीं है यहाँ पर, और दी नहीं थी तो एकदम फ्री बर्ड हो गई थी ना मैं, तो दी अब रूम शेयर कर रही है तो बड़ा अजीब सा। वैसे देखा जाए तो दी को आपका रूम शेयर करना चाहिए ना, मेरा नहीं, बट अब दी यहाँ पर आ गई है तो मुझ पे पहरा लग जाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, परेशान कर देती है एंड आई नीड अ ब्रेक नाउ। उसके कपड़े मेरे अलमारी में थे लेकिन अभी मैंने पैक कर दिए, वक्त मिलेगा तो भिजवा दूंगा। हेलो, फोन काटिए, मुझे सोना है। एक नंबर की सुबह तक भेंट कर लेती सृष्टि में, अभी क्यों मैंने फोन किया चीजों को? भाई अब तू यहाँ क्या कर रहा है? बुआ बुला रही तुझे, जा। क्यों किया तुमने ऐसा प्रीता?